हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज रीजन. सो असर्शन सेज दैट इन इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन एन. रीजन इज ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. तो हमें यहाँ पर बताना है कि क्या असर्शन रीजन करेक्ट है और क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या नहीं. तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं. की कंसेप्ट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टीज क्या होती है. सो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दे डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर मतलब ये जितना हमारा सब्सटेंस का अमाउंट है, जितना उसका मास है, ये उस पे चेंज होती रहती है. जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स, एग्जाम्पल नंबर ऑफ मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स किस पे डिपेंड करते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास. सो अगर गिवन मास हमारा अलग होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होगा, मतलब ये मैटर के अमाउंट पे डिपेंड करती है. और अगर हम अपनी डेल्टा जी की वैल्यू देखें, डेल्टा जी क्या होता है? माइनस एन एफ ई सेल. ई इज ई एम एफ ऑफ सेल, एफ इज फेराडेज कॉन्स्टेंट, एन इज नंबर ऑफ मोल्स. सो जो डेल्टा जी है वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है. सो हम ये कह सकते हैं वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स एन. सो ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, तो दैट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सो जो डेल्टा जी है वो क्या गिब्स पे एनर्जी क्या, दिस विल बी एक्सटेंसिव. नेक्स्ट अगर हम बात करें ई सेल, यहां पर अगर हम डेल्टा जी नोट लें, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एफ ई नोट सेल, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल. सो ई नोट सेल क्या होता है? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड. सो यहां से हम देख सकते हैं कि जो ई एम एफ है सेल की, वो डिपेंड नहीं करती है नंबर ऑफ मोल्स पे. सो दैट्स वाई वी कैन सी दैट इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर. सो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें, सो असर्शन इज करेक्ट एंड ऑल्सो रीजन इज करेक्ट. सो एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. होप यू फाइंड योर आंसर अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.